बक्सर में गंगा नदी में लगातार मिल रही लाशों को लेकर असमंजस वाली स्थिति पर अब लगाम लग गया है। अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश से ही गंगा नदी में लोगों की मौत के बाद लाशों को डाला जा रहा था, जो बहकर बिहार के बॉर्डर वाले जिले बक्सर पहुंच रहे हैं। दरअसल लगातार लाशों के मिलने के बाद जो हड़कंप मचा, उसके बाद बिहार सरकार के आदेश पर जांच शुरू हुई। फिर चार स्तरों पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। राज्य के मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से बात की। फिर यहाँ के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वहाँ के अपर मुख्य सचिव से और यहाँ के डीजीपी ने वहाँ के डीजीपी से बात की। इसके अलावा बक्सर में डीएम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बलिया के डीएम से बात की। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में बिहार की तरफ से कोरोना काल में गंगा नदी में लाशों को बहाने पर सख्त और कड़ी आपत्ति जताई गई। हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा गया है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह आश्वासन किया गया है कि आगे ऐसा नहीं होगा, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बुधवार को इस मामले पर बिहार सरकार की तरफ से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने बात की। दोनों ही अधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए इस वीडियो में। परसों रात में ही एक महाजाल लगाया गया बॉर्डर पर, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के, और कल उस महाजाल में चार पकड़े गए हैं, चार नए लाश फंसे हैं और आज पुनः तीन लाश फंसे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर अपस्ट्रीम से ही गंगा से आ रहे हैं। उन्हें पहले 71 डेड बॉडीज मिली थी, मैं तीन चार दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है उनसे बात की, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने, कि ये जो भी प्रक्रिया है, जो पालन हो रहा है, उसका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत होना चाहिए और ये नदी में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। उन सब ने हमसे सहमति व्यक्त करते बोले कि हम सब कार्य